आप देख रहे हैं पल पल। मुख्य सचिव ने कोविड रोकथाम के लिए नई तैयारियां करने के लिए समीक्षा बैठक की। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा है कि हरियाणा में वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी प्रयासों की दृष्टिगत अब तक हरियाणा की स्थिति ठीक बनी हुई है और आगे भी इससे बेहतर स्थिति बनी रहे इसके लिए प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के कोविड 19 के लिए नियुक्त सुपरवाइजरी अधिकारियों के साथ कोविड की रोकथाम के लिए कई तैयारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिलों में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स तथा अन्य चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित करने, टेस्टिंग की सुविधा को बढ़ाने के साथ साथ होम आइसोलेशन को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा कोविड केयर सेंटर की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि कोविड के साथ साथ इस समय लोगों के मनोबल को बढ़ाए रखना भी बेहद जरूरी है। इसलिए जो रोगी कोविड से लड़कर ठीक हुए हैं उन्हें और जिन्होंने होम आइसोलेशन में रह करके कोविड के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई जीती है, ऐसे सभी लोगों की कहानियां व अन्य लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लोगों का मनोबल मजबूत हो सके। इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जिलों में कोविड केयर सेंटरों में अस्पतालों के साथ लिंक किया जाना चाहिए और इन सेंटरों पर एक अधिकारी की विशेष तौर पर ड्यूटी लगाई जाए जो सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ में बारी और ध्यान दे तथा उत्तरदायी भी उसी का होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि किसी भी आपात स्थिति में और इमरजेंसी में उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि पूरी तरह से अब कंटेनमेंट जोन पर भी CCTV कैमरों से निगरानी रखने की व्यवस्था पर भी बल दिया जाए। अब देख रहे पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट।